होता है? आप ही सबसे पूछते हैं पढ़ाई के बाद क्या होता है जी? मेरे नौकरी नहीं होता है, धन मंगाना पड़ता है, लगाना पड़ता है, कहीं पर शरीर लगाएगा, कहीं दिमाग लगाएगा। और नौकरी कितना आदमी को होता है? कितने लोगों को नौकरी होता है? यहीं पर बैठे हुए कितने शख्स नौकरी करते हैं, वर्तमान में नौकरी करते हैं कहीं ना कहीं? अच्छा छोड़िए, सरकारी नौकरी या इलाके को हाथ होगा तो नहीं उठा रहे हैं, उठा सकते हैं भाई साहब। अगर कोई भी व्यक्ति यहाँ पर नौकरी में है, देखिए सरकारी वाले जो है गिनती के हैं, मुश्किल से हैं, और हम सब पढ़ाई के बाद ज्यादा तैयार किसी का करते हैं। एक हाथ हमको दिख रहा है, और कोई हाथ? दो हाथ, तीन, चार, पांच, इधर है, हाँ इधर है, छह। सरकारी नौकरी आपका नाम सरकारी है, कौन सी सरकारी नौकरी करते हैं? देखिए पांच लोग जो है यहाँ पर पूरे हॉल में है। अब यहाँ से थोड़ा सा रेशियो समझना है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि मुश्किल से 5% सरकारी नौकरी है, ये गवाह है, ये हॉल गवाह है, कितना परसेंट सरकारी नौकरी है? नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं सर नौकरी के लिए तैयारी करते तो हैं पर नौकरी होता नहीं है। आपको बता दें पढ़ाई पूरा होने के बाद हमने भी जो है कहीं कोई तैयारी नहीं किया। मेरे साथ एक छोटा सा घटना क्या हुआ कि जब हम ग्रेजुएशन फाइनल कर रहे थे उसी दौरान में हम एक तरह से कंप्यूटर का डिप्लोमा कोर्स भी कर रहे थे और वो इंजीनियरिंग लेवल का कोर्स था, यानी उस कोर्स को इंजीनियर भी करते हैं। तो उस कोर्स को करने के बाद जिस इंस्टीट्यूट में हम पढ़ा रहे थे उसी इंस्टीट्यूट में वो वैकेंसी आ गई। असल में वो प्राइवेट इंस्टीट्यूट था पर उसका ब्रांचेज जो है पूरे भारत में हर जगह थे और उसके ब्रांचेज में देश विदेश से भी लोग आते थे पढ़ने। तो वहीं पर एक वैकेंसी आ गया टीचर का, ठीक है। हमसे जो मेरे सर जो पढ़ाते थे वो पूछे दिलेश जी जो एक जगह पर वैकेंसी आया है धनबाद में आया था जो पढ़ाना था, ठीक है, यानी जो हम पढ़ रहे हैं उसी को क्या करना है? पढ़ाना है। तो क्या कर पाएंगे? हम कहें सर बस इतना ही काम है, क्यों नहीं कर सकते? अच्छा अभी हम सब क्या कर रहे हैं? डी एक्शन सीख रहे हैं, डी एक्शन को समझ रहे हैं और इसी को सिखाते हैं और क्या करते हैं? समझाते हैं, यही काम करते हैं। तो वहां पर हमको भी समझ में आ गया कि नहीं ये काम बहुत आसान किया जा सकता है। कौन सा काम? अभी डी एक्शन मेरे जीवन में नहीं आया था, अभी हम डी एक्शन से 10 वर्ष पीछे जा रहे हैं, यानी जब हम डी एक्शन में नहीं थे उस समय की कहानी बता रहे हैं। होता क्या है, हम गए पढ़ाने के लिए पर वहां पर फर्स्ट जो इंटरव्यू होता है उस इंटरव्यू में ही हम रिजेक्ट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? रिजेक्ट। कहिएगा इतना बढ़िया से गए तो रिजेक्ट कैसे हो गए जी? असल में वहां का डिमांड कुछ और था, डिमांड था कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस होगा तभी आप यहाँ पर रह सकते हैं। एक्सपीरियंस मीन्स होता है अनुभव, समझ में आ रहा है ना? अभी अगर कोई आदमी पढ़ने के बाद बहुत पढ़ाई किए और कहीं जाते हैं तो वहां पर आपसे पूछता है कहीं कुछ किए हो जी? पूछते ही पूछते हैं कहीं कोई काम किए हैं, यही पूछता है ना, यानी हर जगह पर आपसे अनुभव पूछा जाता है।